गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं। महेश बाबू का ये मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं, और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना। बहुत सारे लोग हैं जो किसी डिसेबिलिटी के चलते ऐसा सोचने लगते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चलो मैं आपको एक जिंदा दिल लड़के से मिलवाता हूं। उस लड़की का नाम है जिलुबोल, जो कि केरला के एक छोटे से गांव करीमपुर से बिलोंग करती हैं। जब ये पैदा हुई थी तो इनके हाथ ही नहीं थे। लोगों को ऐसा लगता था कि अभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके उलट उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आपके हौसले भी बुलंद हो जाएंगे। ये एशिया की पहली ऐसी लड़की है जिसके पास हाथ नहीं है और उसके बावजूद भी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जी हाँ गाइस, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पैरों से किसी भी कार को ड्राइव कर सकती है, है ना ये अमेजिंग बात। सो गाइस, इस मजबूत इरादों वाली लड़की के बारे में जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं, या फिर शुरुआत में सक्सेस ना मिले तो वो हार मान के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन का नाम है नेहा कक्कड़। गाइस, एक दौर था जब नेहा कक्कड़ रात भर जगरातों में गाना गाया करती थी और उसके लिए उन्हें मात्र 100 से 150 रुपए ही मिला करते थे। लेकिन आज वही नेहा कक्कड़ अपने हार्डवर्क के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पर वो एक गाना गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपया तक चार्ज करती हैं। गाइस, अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके लिए कोई इससे अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। गाइस, हार मत मानिए, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, क्या पता एक दिन किस्मत के दरवाजे आपके लिए भी खुल जाएं। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।